कहाँ जाते हैं? 13 साल से क्वेश्चनों में अपना आप ही पूछ रही हूँ लेकिन आंसर अब तक नहीं मिला। क्या होता है कि इस लाइफ में जन्म हुआ, बाद में जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म के फल भुगत रहा है, उस टाइम पे नए भी बांधता है, राग द्वेष दोष देखता है, दुख देता है, तिरस्कार करता है, मोह करता है, तो नए कर्म बांधता है, नए कर्म के आधार से उसको नया जन्म मिलता है। देव मनुष्य भी आ सकता है, जानवर में भी जा सकता है, देवगति में नरगति में भी जा सकता है, बुरे अच्छे कर्म के आधार से। और जन्म के बाद मृत्यु के बाद गर्भ में पहुँच के तुरंत नया जन्म मिल जाता है उसको, एट ए टाइम। जो कर्म बांधे हैं उसका आधार से नए माँ बाप मिल जाते हैं और ग्रोथ होके बच्चा पैदा होता है और सारी जिंदगी कर्म के फल भुगतता है। लेकिन मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँ, वो मेरे को जानना है। आपका हाँ, आपको कहाँ जाना है? हमारा दादा भगवान का ये ज्ञान लेने के बाद तो आपको संसार के चक्कर से छूटना पड़ेगा, वन वे ट्रैक, महाविद्य क्षेत्र सिमंदर स्वामी के पास और मोक्ष जाना पड़ेगा, वो यहाँ है। और नहीं तो चार गति में घूमना है तो बाहर रास्ता खुला है। नहीं, चार गति में जाना नहीं है, मोक्ष में जाना है। तो फिर ये रास्ता इधर का, ये मोक्ष की स्टीमर है, इसमें मिल गई टिकट तो मोक्ष पहुँचाएगी। अभी का जो जन्म प्राप्त हुआ है वो कौन जन्म का अभी फल मिल रहा है? और इतने जन्मों को जो बिता दिए उसमें से कुछ बचा हुआ भी है वो कैसे कैसे भोगना पड़ता है? एक्चुअली आपका ये पूछना है कि अनंत अवतार में से थोड़ा कुछ बच गया तो कभी भुगतने को मिलना पड़े। जी, एक्चुअली क्या है कि प्रत्येक अवतार, आज का जो अवतार है वो पिछले अवतार का बैलेंस शीट आ गया, और पिछला अवतार उसके अगले अवतार का बैलेंस शीट आ जाता है। ऐसे भवो भव का हिसाब पेंडिंग रहना होता नहीं है। जनरली पिछले भव का इस भव में रिजल्ट आ जाएगा, इस भव में जो कर्म बांधते हैं उसका फल दूसरे भव में आ जाएगा। जैसे बिजनेस में 2015 में किया तो उसका बैलेंस शीट हम 2016 में लेके जाते हैं। 200 आदमी के साथ बिजनेस किया, सब माल सामान पड़ा है, स्टॉक कैश है, बैंक बैलेंस, उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है सब दूसरे साल में 2016 में। ऐसे तो पूरा सध जाता है एक अवतार का दूसरे अवतार में। हाँ, सब रिजल्ट आ जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी एक एक आदमी नहीं आएगा, जो 3 आदमी बच गए पैसे लेने वाले, 2 आदमी को देने के हैं, वो 5 ही कैरी फॉरवर्ड होएंगे, बाकी के 195 छूट जाएंगे। ऐसे 2-5 के साथ हिसाब वाला तो राग द्वेष का हिसाब वाला आ जाएगा, बाकी जो स्टॉक पड़ा है, पैसा कैश पड़ा है, उसके आधार से, स्टॉक के आधार से नए ग्राहक आएंगे, हमारे पास पैसे का जो बैलेंस पड़ा है उसमें से हम नया माल खरीदेंगे, ऐसे व्यवहार चलते रहता है। मगर हरेक अवतार पिछले अवतार का बैलेंस शीट है, सरवैया है। समझ में आया? यानी एक अवतार में लगभग रिजल्ट आ ही जाता है।